बताता हूँ। पहले तो ये फंगस कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है गीली मिट्टी के अंदर, ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप खाद, अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे, तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है। जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहाँ पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है ये फंगस, हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो। इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सोइल में भी है, हवा में भी है। और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें।